फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू नोईटेक फैमिली। मैं तीर्थ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में ऐसे कौन सा 10 सिटी है जहां पे मैकेनिकल जॉब्स की बहुत डिमांड रहता है। मैकेनिकल फील्ड में हमें जॉब करना है तो ये 10 सिटी सबसे अच्छा है और उधर अपना कैरियर भी ग्रो कर पाएगा। मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऐसे तरह बहुत सारे वीडियो, टेक्निकल रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, आपको देखना है तो मैंने सारे वीडियो की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो 10 सिटी के बारे में जहां पे मैकेनिकल जॉब्स बूम है। मैकेनिकल रिलेटेड कंपनियां और ऑटोमोटिव रिलेटेड कंपनियां भी उधर बहुत है, उधर आप लोग आपका कैरियर बना सकते हैं। पहला सिटी है पुणे, जिसको ऑटोमोटिव सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी भी बोला जाता है। इधर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज भी है, इधर एजुकेशन भी अच्छा रहता है। पुणे आज एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी हिसाब से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े OEM टीयर 1 कंपनीज है, जैसे कमिंस, किर्लोस्कर, एटलस कोपको, सैंडविक, थर्मैक्स, JCB, थाइसन ग्रुप, L&T, फोर्स मोटर्स, बजाज, टाटा, महिंद्रा। कंज्यूमर रिलेटेड और होम अप्लायंसेस रिलेटेड कंपनी बहुत है इधर, वर्लपूल, फिलिप्स, LG, शार्प। ऑटोमोटिव रिलेटेड इधर भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, मर्सिडीज, फियाट, फोर्स मोटर्स, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री इधर है। आपको मैकेनिकल रिलेटेड जॉब करना है कि ऑटोमोटिव रिलेटेड जॉब करना है तो पुणे सबसे सही प्लेस है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कूल वेदर है, तो यहाँ पे आप मैकेनिकल रिलेटेड, IT भी इधर बूम है, मैकेनिकल, IT, मार्केटिंग, HR, कौन से भी फील्ड में आपको जॉब करना है तो पुणे सबसे सही प्लेस है मैकेनिकल रिलेटेड जॉब और कौन सा भी जॉब करने के लिए। दूसरा सिटी है, इंडिया का सबसे अच्छा सिटी है चेन्नई। चेन्नई में अभी ऑटोमोटिव बहुत बूम कर रहे हैं, उधर भी ऑटोमोटिव कंपनी और मैकेनिकल कंपनियां बहुत हैं। अशोक लेलैंड, रेनॉल्ट, निशान, हुंडई, कैटरपिलर, डैमलर, MRF, महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव कंपनी चेन्नई में हैं। अभी चेन्नई में ऑटोमोटिव बूम कर रहा है, चेन्नई IT के लिए भी बूम है। इधर मैकेनिकल रिलेटेड बंदे मैकेनिकल में भी जॉब कर सकते हैं, नहीं तो IT में भी जॉब कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल और ऑटोमोटिव के लिए चेन्नई अभी सबसे सही प्लेस है, इधर भी आप कैरियर बना सकते हैं आज ए फ्रेशर, नहीं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी रहा तो आपका कैरियर इधर बना सकते हैं। तीसरा सिटी है बैंगलोर। बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इधर IT की बहुत बूम है। माइक्रोसॉफ्ट, KPIT, फेसबुक, विप्रो, टेक महिंद्रा, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है IT के, सारे कंपनी बैंगलोर में है। इधर IT के साथ मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, ये सारे डोमेन भी बूम है। इधर किर्लोस्कर, वोल्वो, TVS मोटर्स, ITC, टेफे ट्रैक्टर, टोयोटा, मर्सिडीज के R&D सेंटर भी है, अल्स्ट्रोम है, बॉम्बार्डियर है, इधर एयरबस भी है, इधर एयरबस की R&D सेंटर भी है, कुछ पार्ट्स भी डिजाइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। GE के पेट्रोलियम, विंटरबाइन, ये सब कंपनी भी बैंगलोर में है, इधर मैकेनिकल के लिए भी अच्छा कैरियर है, आज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस लोगों की भी इधर कैरियर बना सकते हैं। फोर्थ सिटी है हैदराबाद। हुंडई का R&D सेंटर इधर है, सियांट है, बॉस का चेसिस फ्रेम इधर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन होता है, इधर बहुत सारे IT कंपनी भी है, अलग बड़े बड़े कंपनी का कॉरपोरेट कंपनी भी है IT में, फेसबुक, Amazon, ये सारे बड़े बड़े कंपनी भी, उधर भी मैकेनिकल बंदे जॉब करते हैं, उधर भी मैकेनिकल बंदों की रिक्वायरमेंट रहता है। और ये मैकेनिकल रिलेटेड मैंने जो बताया कंपनियां, हुंडई की R&D सेंटर, उधर भी मैकेनिकल, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, ये सब बंदों की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। हैदराबाद भी एक अच्छा सिटी है कैरियर बनाने के लिए, आज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कैरियर बना सकते हैं। देन फिफ्थ सिटी है दिल्ली NCR। न्यू दिल्ली जो अपना इंडिया की कैपिटल है,
दिल्ली एनसीआर अभी गुरुग्राम नोएडा न्यू दिल्ली को लेके बनाया गया, उधर बहुत सारे कंपनियों का कॉरपोरेट ऑफिस है, इतने भी बड़े बड़े ऑटोमोटिव कंपनी भी उधर ही हैं, जैसे होंडा, मारुति सुजुकी, होंडा का टू व्हीलर भी है उधर, थर्मैक्स, एलएनटी, एस्कर्ट, एस्कर्ट की जो ट्रैक्टर जेनसेट वो सब बनता है फरीदाबाद में है। तो दिल्ली एनसीआर में भी सारे बड़े बड़े कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस, मैकेनिकल इंडस्ट्री भी है, आप उधर कैरियर बना सकते हैं। देन सिक्स सिटी है मुंबई। मुंबई इंडिया का कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, इधर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, कॉरपोरेट ऑफिस, बैंकिंग सेक्टर, सारे जितने भी वर्ल्ड में हो, इंडिया में हो, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है उनकी कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में रहता है। मुंबई में महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी है, गोदरेज का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है उधर, कपबोर्ड वगैरह हो, जितने भी उनकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, सारे प्रोडक्ट्स उधर मैन्युफैक्चरिंग होता है। मुंबई में भी आप कैरियर बना सकते हैं। देन सेवन सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में आता है। अहमदाबाद में सानंद करके इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे टाटा मोटर्स, उसका नैनो, टियागो, टिगोर, ये सारे जो गाड़ियां हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उधर ग्रुपो एंटोलिन का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। ग्रुपो एंटोलिन जो है ऑटोमेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स बनाता है, लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाता है, उधर उनका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। अहमदाबाद में ऐसे और भी छोटे बड़े कंपनी है, होंडा का स्कूटर वगैरह भी उधर बनता है। गोल्ड सील करके कंपनी है, जो कि जितने भी फोर व्हीलर है उनका गैस्केट सीलिंग वगैरह बनाता है, वो सारी कंपनी अहमदाबाद में है। अहमदाबाद अभी बहुत ही बूम कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में। अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, कच्छ, गुजरात में ये जो सिटियां हैं अभी बहुत ही डिमांड हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उधर कॉटन की भी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है। छोटे बड़े बहुत सारे इंडस्ट्री गुजरात में है, अहमदाबाद में भी बहुत सारे इंडस्ट्री है, उधर आप कैरियर बना सकते हैं। देन एट सिटी है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। औरंगाबाद को ऐसे अभी धीरे धीरे प्लानिंग किया जा रहा है आज ए ऑटोमेटिव सिटी के हिसाब से। उधर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं ऑटोमेटिव के, स्कोडा है, वोल्सवैगन है, बजाज का उनका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। पुणे में आकुरड़ी और चाकण में उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। औरंगाबाद में भी है बजाज का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। औरंगाबाद में ऐसे ऑटोमेटिव के जितने भी सप्लायर हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, कास्टिंग रिलेटेड कंपनी है। उधर IGTR करके एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है, मैकेनिकल के लिए अच्छा रहता है। उधर अच्छा कैरियर भी प्रोडक्शन रिलेटेड और डिजाइन रिलेटेड आप बना सकते हैं। देन नाइन्थ सिटी है पीतमपुर, जो मध्य प्रदेश में आता है। उधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी है, छोटे बड़े बहुत सारे मैकेनिकल रिलेटेड कंपनीज हैं। उधर आइचर मोटर्स है, हिंदुस्तान मोटर्स है, काइनेटिक मोटर्स है, अपटेक है, इधर बहुत सारे डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट निकलता है। तो जो बंदे फ्रेशर हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनका कैरियर इधर अच्छे से बना सकते हैं। देन टेंथ सिटी है रुद्रपुर, जो उत्तराखंड में आता है। उधर पंतनगर करके इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी भी हैं। उधर टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का टाटा एस भी उधर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बजाज का टू व्हीलर पल्सर भी उधर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, अमेरिकन एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग भी है, जो टाटा मोटर्स को ज्यादातर एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े इंडस्ट्री है उधर। उधर फार्मा इंडस्ट्री भी बहुत है, मैगी जो फूडिंग इंडस्ट्री भी उधर है, उधर भी मैकेनिकल बंदे लग सकते हैं। दूसरे भी ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे मैकेनिकल कंपनी है। मैंने ये जो 10 सिटी के बारे में बताया आपको यूजफुल रहा होगा। आप ये सिटी के हिसाब से आपका नजदीक जो सिटी रहेगा उधर जाके कैरियर बना सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा कौन सा सिटी मैकेनिकल के लिए अच्छा है, कहाँ पे आप कैरियर बना सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, और कुछ इम्प्रूवाइज करना है और कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं उसके ऊपर कुछ नया वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, नहीं तो उसका कमेंट का रिप्लाई देके आपको और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए अभी फिर मिलते हैं
और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।